पारशोली पुलिस सीमा के ईदगाह के पास कैनल पर एक 30 से 35 उम्र के युवा पर धारदार शस्त्रों से वार कर पास के खेत में बने झुग्गी में डालकर उसे जला दिया। आइए देखते हैं। जिसमें अज्ञात की मौत होने की घटना मंगलवार की सुबह उजागर हुई। मिली जानकारी के अनुसार ईदगाह सीमा पर नहर के किनारे पर एक अंधेड़ उम्र के अज्ञात युवक को बड़ी ही बेरहमी से धारदार हथियारों से घायल कर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। मृत हुए अज्ञात के शरीर पर धारदार हथियारों के निशान दिखाई दे रहे हैं। पेट, सीने, गर्दन, पैरों पर अनेकों निशान दिखाई दे रहे हैं। रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम देने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं खेत में बने झुग्गी झोपड़ी में लाश को फेंक कर झुग्गी में आग लगा दी गई, जिसमें झुग्गी पूरी तरह से आग में खाक हो गई। वहीं जलती हुई झुग्गी से जान बचाने की कोशिश में अज्ञात मृतक पूरी तरह से झुलस जाने से जैसे तैसे बाहर आया और खेत में मृत अवस्था में दिखाई दिया। सुबह ईटगांव निवासी अपने खेत में काम पर गया और रास्ते किनारे ही उसे खेत में लाश दिखाई दी। इसकी जानकारी उसने तुरंत पारशिवनी पुलिस को दी। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वैसे ही पारशिवनी पुलिस विभाग घटनास्थल पर रवाना हुई। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को भी दी गई। इस दौरान आला अधिकारी भी बड़े पैमाने पर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां घटना में लिप्त अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस विभाग छानबीन में लगी है। घटनास्थल पर खून बिखरा पड़ा था। आग में झुलस चुके मृतक की पहचान होने में दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीण क्राइम ब्रांच पुलिस विभाग इस घटना में लिप्त आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पारशिवनी पुलिस भी आरोपियों की तलाश में जी जान लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पारशिवनी।